व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कैसे निकले। दोस्तों अगर व्हाट्सएप ग्रुप से आप बाहर निकलना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर आप एक सेटिंग ऑन करें तो उसके बाद कोई भी व्हाट्सएप पे आपको ज्वाइन भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर बहुत सारे आपको सेटिंग मिलेगा जो ग्रुप के अंदर जो बहुत लोगों को बिल्कुल नहीं पता। अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो की लास्ट तक वॉच करना। जैसे कि व्हाट्सएप पर अगर कोई भी आपको बिना पूछा है किसी भी ग्रुप में ऐड कर देते हैं तो वो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एक सेटिंग है जिसके अंदर आप एक सेटिंग अगर ऑन कर देते हो उसके बाद क्या होगा, आपके परमिशन के बिना कोई भी ऐड नहीं कर पाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर एक सेटिंग रहता है जो भी एवरीवन कर देते हैं तो क्या होता है कोई भी ग्रुप में आपको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से आप बाहर निकलना चाहते हो तो आप एग्जिट कर सकते हो। साथ ही साथ एक रिपोर्ट मार के अगर बाहर निकलोगे तो बाहर आ जाओगे तो उसके बाद क्या होगा, कोई भी आपको उसी ग्रुप पे ज्वाइन नहीं कर पाएगा। जब तक ना एडमिन आपको लिंक भेजे तब तक आप क्लिक करके आप जब तक ना ज्वाइन होगे तब तक कोई भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पाएगा। हाँ जी दोस्तों, ग्रुप के अंदर एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप व्हाट्सएप से बाहर निकलना चाहते हो वो आप पहले जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पे न्यू ग्रुप बोल के लिखा है, इस ग्रुप से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, तो सिंपल आपको करना क्या होगा, उसी ग्रुप के ऊपर जो प्रोफाइल आइकन है देखने को मिल रहा है उसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे टैप करोगे उसके बाद यहाँ पे आई बटन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर टैप कर देना, बिल्कुल आपको नीचे आ जाना। टैप करने के बाद बिल्कुल आपको नीचे आ जाना। नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा रेड कलर का, ठीक है, एक है कि एग्जिट ग्रुप और एक की रिपोर्ट ग्रुप, ठीक है। अगर एग्जिट ग्रुप पर क्लिक करके आप जैसे ऊपर जो एग्जिट लिखा रहा है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि आप ग्रुप से तो निकल जाओगे लेकिन ग्रुप डिलीट नहीं होगा और मेन बात है कि कोई भी आवर फिर से आपको ज्वाइन मतलब ग्रुप पर ज्वाइन कर सकता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आर्काइव जो इंस्टेंट यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ग्रुप क्या होगा, अचीव हो जाएगा, मतलब कि अचीव हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। एग्जिट कर दोगे तो इस ग्रुप से आप एक बार बाहर निकल जाओगे, उसके बाद फिर कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं आपको। लेकिन उसके नीचे आप रिपोर्ट ग्रुप पे क्लिक करके अगर यहाँ से अगर एग्जिट लोगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क रहेगा इसको चेक कर देना, उसके बाद रिपोर्ट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस ग्रुप से आप बाहर तो निकल जाओगे साथ ही साथ कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। जब तक ना ग्रुप का एडमिन आपको जो ग्रुप लिंक ना भेजे, लिंक भेजने के बाद उस लिंक पर आप जब तक ना क्लिक करोगे तब तक इस ग्रुप पर आपको ज्वाइन नहीं कर पाएगा, इसका मेन बात है, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप उस ग्रुप से निकल जाओगे और वो ग्रुप भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इसका मेन मतलब। और एक कि आपको कोई भी किसी भी बात जो टाइम पे आपको किसी भी ग्रुप पे ज्वाइन कर देते वो प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप ओपन करके यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आकर यहाँ पे ग्रुप बोल के जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन रहता है, यहाँ पे एवरीवन रहेगा तो मतलब कि कोई भी आपको किसी भी टाइम पे किसी भी ग्रुप पे ज्वाइन कर देगा, ऑटोमेटिकली कर सकता है, ठीक है, आपके परमिशन के बिना भी कोई भी ज्वाइन कर देते हैं। अगर माई कॉन्टैक्ट्स पे रखते हो, यहाँ पे अगर रखते हो उसके बाद क्या होगा, आपके मोबाइल के अंदर जिन जिन बंदे का कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव है सिर्फ वही आपको किसी भी ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप रख देते हो कि माई कॉन्टैक्ट एक्सपर्ट, यहाँ पे क्लिक करके जो जो बंदा को आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ वही बंदा आपको ग्रुप में किसी भी नया ग्रुप पे चाहे या किसी भी और ग्रुप पे ज्वाइन कर पाएगा। अगर यहाँ पे जो जो बंदा आप इस वजह से सिलेक्ट करके यहाँ पे जो ऊपर राइट साइड यहाँ पे नीचे आपको टिक करोगे तभी जाके वो बंदा आपको किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर पाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल सेटिंग है, ठीक है, इस वजह से सेव करोगे तभी जाके। यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने दो बंदा को सिलेक्ट किया इसलिए दो बंदा सिर्फ ग्रुप को ऐड कर पाए, ग्रुप में मुझे ऐड कर पाएगा। तो यही मेन बात है, अगर एवरीवन रखते हो तो कोई भी आपको किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर पाएगा और माई कॉन्टैक्ट्स रखते हो तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जो जो बंदा है सिर्फ वही आपको किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। अगर ग्रुप पे निकलना है तो वही दो आप रिपोर्ट मार के निकल जाओगे तो फिर वही ग्रुप पे कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अगर कोई दोबारा ज्वाइन करना चाहते हो उसी ग्रुप पे तो एडमिन को क्या करना पड़ेगा, एडमिन को ग्रुप का लिंक आपको सेंड करना पड़ेगा तभी जाके आप लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो यही था, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियो देने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।